इस वक्त खड़े हम गोंदिया से बालाघाट रोड पे, जो रोड बनने जा रहा है, फोर लेन बन रहा है। तो मैं हूं दीपक कुथेकर, ग्रामीण क्षमता न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट नाम से, ये वाला एक प्रोजेक्ट चालू होता है। ये 75,000 किलोमीटर तक की रोड बनती है, पूरब से पश्चिम तक और अपना उत्तर से दक्षिण तक के है। और इसका पूरा हर राज्यों का ठेका अदानी को दिया जाता है, अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड नाम से। और कई प्रकार से इनके बहुत से जो इंटरप्राइजेस है, तो हर राज्य में अदानी को टेंडर जाता है। और इसकी जो विस्तृत जानकारी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, इन्होंने बताया था कि बहुत बड़ा ये घोटाला है, सबसे बड़ा स्कैम इस रोड के माध्यम से किया जा रहा है। 7,500,000 करोड़ का घोटाला। ये जैसे ही संजय सिंह बताते तो वैसे ही क्या होता है कि संजय सिंह को सीधा जेल में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो रोड बन रही, तो रोड से ये तो विकास कार्य, और हम तो स्वागत करते हैं नरेंद्र मोदी जी का कि बहुत अच्छे देश में विकास कर रहे हैं। तो इस विकास के साथों साथ विनाश भी हो रहा है। कई किसानों के खेती, जो किसानी है वो उजड़ रही है, और कई गरीब लोग हैं उनका जो निवास स्थान है, उनका जो घर है, वो टूट फूट हो रहा है, और उसका बराबर मुआवजा लोगों को नहीं मिल रहा है, हमें जानकारी मिली है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक के बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जहां जहां विकास हो रहा है वहां विनाश भी हो रहा है, तो इस पर जरूर ध्यान दें और लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। तो मेरे साथ यहां पर कुछ किसान खड़े हैं, ग्राम है रजेगांव, जो गोंदिया से बालाघाट रोड जाती है। तो ऐसे ही घटना आप रजेगांव मध्य प्रदेश में देखेंगे, तो नदी के उस तरफ जो एक इंदिरा नगर करके गाँव है रजेगांव का, वहां भी कई लोगों के मकान टूट रहे हैं और उनको इसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही कुछ दुखी किसान यहाँ पर है, जो इनके साथ भी न्याय नहीं हुआ है। तो हम इनके साथ में बात करेंगे कि इनके साथ इनके कितनी किसानी इस रोड में जाती है और इनको कितना मुआवजा मिलता है और क्या क्या इनके साथ हुआ है तो जानते हैं हम। क्या नाम क्या भैया आपका? राजेश जीवनलाल कटरे। कौन से गांव से आप? रजेगांव। तो ये जो खड़े हैं हम, तो यही आपकी किसानी है? ये हमारी जमीन, हमारी 1 एकड़ खेती गई है यहाँ से। अच्छा, तो टोटल कितनी किसानी आपकी यहाँ पर? हमारा 3 एकड़ का प्लॉट है। अच्छा, भाई कितने आप? 2 भाई। तो दोनों भाई का हिस्सा? नहीं, माँ के नाम पे है जमीन। अच्छा, अभी हिस्सा नहीं हुआ है, माँ के नाम से है। तो कुछ नौकरी, सरकारी नौकरी वगैरह है आपको? नहीं नहीं, खेती करते हैं। यानी यही आपका मेन, पूरा बोले तो इसी पे परिवार चलता है। हाँ। और यही एक आपका साधन था कि जो आप अपने परिवार को और खुद को पाल सकेंगे। तो यहाँ पर क्या वास्तविकता क्या हुई आपके साथ में? अभी कुछ नहीं सर, हमारी जमीन गई है 1 एकड़, लेकिन इन्हें बताया 70 डिसमिल, लेकिन हमको पैसा SDO से लेटर आया 5,83,000 का, सॉरी 6,52,000 का। हाँ। लेकिन अभी तक के मिले नहीं पैसे हमें। अच्छा, तो ये सरकारी रेट से दे रहे हैं कि गांव के रेट से मिल रहा है? ये पता नहीं सर, अगर गांव वाला कोई इतनी जमीन लेता तो क्या रेट होता? यहाँ कहाँ सर, 1 करोड़ के नीचे पास जमीन का रेट है 1 करोड़ रुपए। अच्छा, अभी हमको सिर्फ 6,52,000 रुपए मिला नहीं है। हाँ, लेकिन SDO के माध्यम से लेटर में आया था हमको 6,52,000 का। अच्छा अच्छा, लेकिन अभी तक के पैसा मिला नहीं है। अभी तक मिला नहीं है? तो आपके गांव से ऐसे बहुत से किसान लोगों की जमीन गई? हाँ, बहुत सारे लोगों की जमीन गई। इनको कोई पैसा नहीं मिला? नहीं, किसी को पैसा नहीं मिला अभी तक। दोस्तों, मैंने शुरू में बताया था कि जो संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने जो क्लियर किया था कि जैसे दिल्ली में जो रोड बनती है द्वारका एक्सप्रेस वे, वो बनता है 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से, तो वो 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बन जाता है। और भारतमाला प्रोजेक्ट में भी वैसे ही है, 15 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर का रेट है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं वहां तक के 1 किलोमीटर के लिए 15 करोड़ रुपए खर्चा होना था, लेकिन इसको भी 25 करोड़ रुपए इसका बजट कर दिया गया है। यानी कि कुल मिला के 10 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रति किलोमीटर पर घोटाला है। और ये जो घोटाला हो रहा है, तो ये पूरे जो आम आदमी जनता जो लोग हैं उनके टैक्स से रोड बन रही है, और इतना पैसा पूरा अदानी के घर में जा रहा है। तो हम और एक किसान खड़े हमारे साथ में, क्या नाम क्या भैया? महेंद्र साटोने। अच्छा, ये इसी गांव से आप? इसी गांव से। खेत कौन सा है आपका? 566/1 है। अच्छा, ये इधर वाला है? हाँ, इधर वाला साइड वाला। 566/1 में से पूरी जमीन जा रही है हमारी 2 एकड़, 2.25 एकड़। और 566/3 का उन्होंने दिया है कि वहाँ से जा रही है, क्योंकि वहाँ से नोटिस, वहाँ का नोटिस आया हमको, पर वहाँ से रोड नहीं जा रही है। SDO मैडम को भी बोला, रोड वालों को भी बोला, पटवारी साहब को भी बोला कि सर ये गलत है। तो बोलते हैं कि नहीं, अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। पटवारी ने बोला, SDO मैडम ने भी बोली, और रोड वाले ने भी बोला है। अच्छा, तो 2-4 बार में गया, ये मैडम को नोटिस भी दिया मैंने, SDO मैडम को मिला मैंने, उन्होंने बोला मेरे को कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा,
जो कि सही जवाब इस किसान को नहीं मिल रहा है कि जो अब इनके साथ जो अन्याय हो रहा है तो जाएगा किसके पास, कोई भी अधिकारियों के पास जाएगा। इनके जो नोटिस है, लेटर है, हमारे स्क्रीन पर आप देख सकेंगे, हम स्क्रीन पर लगा देंगे इनके लेटर वगैरह। तो आपका जो रोड जहाँ से रोड नहीं जा रही है वो भी जमीन चलेगी, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, वो भी जमीन चलेगी, खाली पड़ी रहेगी, लेकिन खाली पड़ी है। अच्छा, लेकिन वो सरकार के खाते में चलेगी? वो चलेगी सरकार के खाते में। अच्छा, और मुआवजा भी मिल रहा है हमको, 5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए एकड़ से मिल रहा है मुआवजा। अच्छा। वो भी मुआवजा बहुत कम मिल रहा है, और ऊपर से वो जमीन भी जारी कहीं से, रोड अलग से है और जमीन का घट नंबर अलग से दिया है। अच्छा, तो यानी जो रोड जा रही है वो कितना डिसमिल होना चाहिए, कितना अर्थ है? यानी वो समझो 4.5 एकड़ का था, 4.5 एकड़ वहाँ से जमीन निकल रही है, समझो 2 एकड़ 80 हजार जमीन निकल रही है, बाकी बचना चाहिए, तो उतनी जमीन नहीं बची दी है। अच्छा, मात्र हमको 30 हजार का एक दिया नोटिस, और एक 31 हजार का दिया है, यानी 60 हजार का दिया है पूरा कुल, और जमीन जारी हमारी 40 80 हजार जमीन। बिल्कुल, तो ये जमीन क्या नाम से, किस नाम से है? ये अशोक साटवने, जयतराम साटवने, भागरता साटवने, हुलन भाई साटवने, शामिल में ये जमीन, शामिल में, सामलाट में जमीन है, सामलाट में। बिल्कुल, तो आप ये सब लेकर के किसके पास गए, कितने बार गए आप? HDO मैडम के पास गए 3 बार। अच्छा, तो उन्होंने वही जवाब दिया मेरे को, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, देखेंगे, बस यही जवाब मिला उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी हमारे पास और एक किसान खड़े, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके साथ भी क्या हुआ और इनके इनका कहना क्या है। क्या नाम क्या है भैया आपका? काशीराम सिरसाठ। अच्छा, रजेगांव से? रजेगांव से। तो किधर खेती, किधर है आपकी खेती? हमारी इधर ही है, साठोने के बाजू में है, 551 गट। अच्छा, तो इसका पैसा मिल गया आपको? कितनी जमीन जा रही है आपकी? वहाँ जमीन जा रही है 28 हजार करके बोल रहे हैं, मगर वहाँ जा रही है 35 हजार के लगभग जमीन जा रही है। अच्छा, और पेमेंट कितने का देने वाले हो? कितने पेमेंट का? 5-5.5 लाख देने वाले हैं, बस हो गया। अच्छा, बिल्कुल, तो यानी जो आपकी एक्स्ट्रा जमीन जा रही है, कहना है आपका? हमारी एक्स्ट्रा जमीन जा रही है, उसका पैसा कैसा होगा? हाँ, उसका भी तो मिलना चाहिए ना हमको। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी इनका भी यही कहना है, इनका भी यही कहना है कि जो एक्स्ट्रा की जमीन जो जा रही है और जो खाते में दर्शाई जा रही है, जो रिकॉर्ड के मान से दर्शाई जा रही है, केवल उतने का पैसा मिल रहा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जमीन है उसका नहीं मिल रहा है। जी हाँ हाँ, है ना, एक्स्ट्रा जो जमीन जा रही है उसका पैसा नहीं मिल रहा है, और मुआवजा भी कम मिल रहा है उसके हिसाब से। हाँ, जो गांव का रेट तो अनाप सनाप रुपए का रेट है, लेकिन वो सरकारी रेट से, सरकारी रेट से पैसा मिल रहा है कि भाई 5.5 लाख 6 लाख रुपए मिल रहा है, तो क्या हो रहा है उसमें? बिल्कुल, वो भी नहीं मिल रहा है अभी। जी जी, तो इसकी कुछ कार्रवाई की है, कोई अधिकारियों से मिले? कार्रवाई तो किए हैं। अच्छा, तो इधर से कोई आपका जो ऐसा होता है किसानों का यूनियन होता है या किसानों का कोई अध्यक्ष होता है, ऐसा कोई मदद कर रहा है? BDO HDO के पास में भी गए थे हम लोग, और उन लोगों ने भी कहीं भी सुनवाई नहीं की है हमने। अच्छा, हाव कर देंगे बोल रहे, किए नहीं है उन लोगों ने। बिल्कुल, अगर ऐसा ये नहीं होता है आपके साथ में आए, तो फिर क्या करेंगे आप, क्या कर सकते हैं आप लोग? क्या करेंगे अब, हमको क्या करना है जी? हम तो ये है कि भाई हम तो अपने घर में चुपचाप बैठे हैं, मगर ऐसा है कि सरकार ने सोचना चाहिए कि भाई हम इनको अच्छे तरह से और अच्छे रेट में इनको पैसा दिया ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके जो प्रतिनिधि आपने चुन के दिए, जैसे विधायक है, सांसद है, तो इनसे मदद नहीं मांगे क्या आपने? मदद मांगे ना उन लोगों से भी। तो आपके विधायक कौन है इधर से? विधायक वो विनोद अग्रवाल। अच्छा, चाबी निशान वाले? चाबी निशान। सांसद कौन है? सांसद कौन है? इसलिए किसान पीछे है, ऐसा बोला जाता है ना। किसान क्या करता है, अपने खेती पे ध्यान देता है, नेतागिरी से कोई लेना देना नहीं होता है, एक बार जाके वोट दबा दो, खत्म करो, बटन दबा के घर आ जाता है किसान। ये होता है, तो ये आपके प्रतिनिधि है, आपने चुन के दिया है 5 साल के लिए, उनके हाथ में इधर की सत्ता दिया है आपने। हाँ। तो ये दुख किसके पास जाना चाहिए? आपने उनके पास जाना चाहिए ना, उनके पास जाना चाहिए, और उन लोगों ने देना चाहिए प्रधानमंत्री के पास। बिल्कुल बिल्कुल, तो पूरे किसान लोग मिलकर जाना चाहिए। बिल्कुल, समस्या बताओ। सब तो गए थे वहाँ पर, क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं, वो तो जल्दी काम करेंगे आपका। जल्दी काम करें हमारे, वो जल्दी काम करके नहीं दे रहे हैं ना जी, हम तो गए थे ना। हाँ, 15-20 आदमी गए थे। ध्यान देंगे क्या? नहीं, चुनाव से भी फुर्सत नहीं मिलता, वो अपनी पार्टी लेके इधर गांव घूमेंगे, वो गांव घूमेंगे, वोट मांगने तो आएंगे ना, वोट मांगने आएंगे, पर हमारा किसान का काम करने के लिए कहाँ खड़े? आपको भी जाना है ना भैया, 2-3 बार तो विधायक के पास जाना चाहिए, अपने सांसद के पास जाना चाहिए। HDO के पास गए थे, HDO बोलती कलेक्टर मैडम के पास जाओ, कलेक्टर मैडम के पास जाएंगे तो बोल रही HDO के पास जाओ। ना 30 हजार जमीन हमें हमारी रोड में गई, न 33 हजार जमीन का अलग प्लाट है, उसमें से वो हमारे को फार्म मिला। अच्छा, वो जमीन हमारी, उसका कागज नहीं होना हमको, है जमीन गई रोड में, उसका पैसा होना हमको, उसका पैसा होना। सही है, बिल्कुल। अब जो अगर वो भी ले रहे तो उसका भी पैसा दे देना चाहिए। हाँ, है ना, या तो फिर उसको अलग कर देना चाहिए। तो अब वो आपके नाम पर है क्या? नहीं, अब हमारे नाम पे है जी।
अच्छा, 4.5 एकड़ का गठ है, उसमें से ये गई 31 आर और वो गई 30 आर और हमारी 33 आर नीचे है, तो नीचे का कागज दिया उसने। अच्छा, तो आप सुन रहे हैं अभी ये किसान अपने खुद की कहानी बता रहे हैं कि जो अधिकारी इसलिए बिठा ले जाते हैं कि जनता के जो काम होते हैं, जनता को जो परेशानियां होती है उसको दूर करने के लिए एक अधिकारी बैठा होता है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, उन्हें एकदम सही न्याय देना चाहिए। अब इनके जमीन का क्या होगा, क्योंकि एक हमारा क्षेत्र है वाला कृषि प्रधान क्षेत्र है, एक तो रोजगार नहीं, नौकरी नहीं है, इसी के भरोसे कैसे भी अपना उधर पोषण किया जाता है। तो ये इसके लिए मैं माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस बातों पर ध्यान दे। ऐसा नहीं कि रजे गाँव में जहाँ खड़े इस पर यहीं पर ही, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत से गाँव है जहाँ जहाँ से रोड का प्रोजेक्ट जाता है, वहाँ किसी का घर जा रहा है, तो किसी की खेती जा रही है, तो किसी की दुकान टूट रही है, तो उनको सही मुआवजा दिया जाए और सही टाइम पर उनके साथ न्याय किया जाए। ग्रामीण क्षमता न्यूज से मैं दीपक कुथेकर, नमस्कार दोस्तों।